नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में। हमने पेरीसाइक्लिक रिएक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसके अंतर्गत जो प्रीवियसली वीडियो मैंने डाली थी वो मैंने आपको सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट की डाली थी। उसमें मैंने आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट जैसे 1, 3, 1, 5 एंड 3, 3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट ये सब डिस्कस किया था, और कैसे सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट को हम पहचानते हैं कि ये 1, 3 है या 1, 5 है या 3, 3 है, वो सब कुछ डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोसेस थर्मली फिजिबल होता है, कौन सा प्रोसेस फोटोकेमिकल फिजिबल होता है और उसको हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपसे जितनी भी वीडियोस करवाई है, लाइक इलेक्ट्रोसाइक्लिक की, साइक्लो एडिशन की, और अभी सिग्मा टॉपिक करवा रही हूँ, उसके अंतर्गत मैंने आपसे दो मेथड मेनली डिस्कस किए हैं, FMO एंड उसके अलावा PMO या हकल मोबियस थ्योरी। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं FMO मेथड, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल मेथड। FMO मेथड में मैंने आपको बताया था कि हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की, पाई ऑर्बिटल्स की क्या देखते हैं, पाई ऑर्बिटल्स की सिमेट्री देखते हैं कि उनकी एम सिमेट्री है या सी टू सिमेट्री है। बेसिकली हम होमो और लूमो की सिमेट्री देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं 1, 3 शिफ्ट की। 1, 3 शिफ्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने लिया हाइड्रोजन CH2, CH डबल बॉन्ड CD2। ठीक है, और अब आपका क्या हो रहा है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कर रहा है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे मूव कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज एल्किनाइल चेन, ये एलिलिक कार्बन है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज माइग्रेटिंग ग्रुप, मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। अब ये माइग्रेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, माइग्रेटिंग ग्रुप फर्स्ट नंबर पे, तो वन कार्बन, वन नंबर ऑफ एटम इज मूविंग ऑन थर्ड नंबर ऑफ कार्बन, सो दिस इज 1, 3 शिफ्ट एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH2 एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर गया तो डबल बॉन्ड CH CD एंड ये हाइड्रोजन मूव कर गया तो CH D2, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया आफ्टर 1, 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। तो अब हमें क्या देखना है कि ये प्रोसेस जो है 1, 3 प्रोसेस, ये थर्मली फिजिबल है या फोटोकेमिकली फिजिबल है। ठीक है, और जो हमने साइक्लो एडिशन में सुप्राफिशियल एंड एंटाराफिशियल बात करी थी वही चीज हम यहाँ देखेंगे। सुप्राफिशियल क्या होता है आपका, मैंने प्रीवियसली जो सिग्मा ट्रॉपिक साइक्लो एडिशन करवाया था, अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखे है तो एक बार वो जरूर देखेगा। सुप्राफिशियल माइग्रेशन क्या होता है, जब मतलब लोब्स क्या करती है, एक साइड से कनेक्ट करती है, लाइक अगर ऊपर से कर रही है तो दोनों लोब्स ऊपर से करे जाए, नीचे से करिए तो दोनों लोब्स नीचे से करे। और एंटाराफिशियल क्या होता है कि एक लोब ऊपर से कनेक्ट करती है एंड एक लोब क्या करती है, नीचे से कनेक्ट करती है, तो दिस इज एंटाराफिशियल माइग्रेशन। चलिए अब हम देखते हैं कि 1, 3 जो माइग्रेशन शिफ्ट है ये थर्मली पॉसिबल है या फोटोकेमिकली, तो ये कैसे हम देखते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर रिएक्शन लिखी CH CH2 CH डबल बॉन्ड CD2 और फिर ये क्या कर रहा है आपका, प्रोडक्ट बना रहा है। तो हम इस प्रोडक्ट को कैसे इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये आपका होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, बीच में से टूटना और एक एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो बीच में से टूटना, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चला गया, तो दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज। तो ये होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, तो क्या बन गया H डॉट, ये बॉन्ड टूटा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ठीक है, तो ये H डॉट CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CD2। अब देखिए ये आपका क्या चीज है, ये अगर आप देखें ये चीज आपकी क्या है, दिस इज एन एलाइल रेडिकल। एलाइल रेडिकल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट, दिस इज एलाइल रेडिकल, तो ये भी सिमिलरली है सेम वही CD2 डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट, तो ये क्या है आपका एलाइल रेडिकल एंड ये क्या है आपका हाइड्रोजन रेडिकल। ठीक है, तो अब ये एलाइल रेडिकल में मैंने, हमने सिमेट्री करी थी ना MC2 सिमेट्री, वो वाली हम चीज लिखेंगे, तो एलाइल रेडिकल क्या है आपका यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CD2, यहाँ पे कितने, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल, दैट इज Ψ1 Ψ2 एंड Ψ3, जिसमें से एक क्या होता है, जब आपके ओड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जिसने भी सिमेट्री वाली वीडियो नहीं देखी एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर यदि आपको सिमेट्री में डाउट है, उसमें मैंने डिटेल से सिमेट्री बताई है, यहाँ मैं फटाफट बता रही हूँ आपको। Ψ1 जिसमें से जब भी ओड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो हाफ बॉन्डिंग, मतलब ये क्या हो गया Ψ1 आपका बॉन्डिंग,
ऑर्बिटल, फिर ये क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड ये क्या होता है आपका नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब हम सिमेट्री कैसे लिखते हैं, एम सी टू एम, एम सी टू एम, मतलब साई थ्री में, साई वन में क्या एम सिमेट्री, साई टू में सी टू, साई थ्री में एम। और इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गए, दो पाई इलेक्ट्रॉन और एक ये रेडिकल का, तो टोटल कितने हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन। अब ये तीन इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो सबसे पहले बॉन्डिंग से वन टू, फिर नॉन बॉन्डिंग में थ्री, तो ये इसका होमो को क्या हो गया आपका, अब साई टू, ठीक है, तो साई टू आपका क्या हो गया होमो। अब ये जो है ये आपका हाइड्रोजन डॉट से क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा टू गेट एन इलेक्ट्रॉन मोर एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो देखिए क्या हो क्या रहा है, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि साई टू ऑर्बिटल फोर एलाइल रेडिकल, उसमें क्या है आपके सी टू सिमेट्री है, तो सी टू सिमेट्री क्या होती है आपकी, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग में यहाँ पे ये हम नोड होता है दिखाते हैं ना, तो सी टू सिमेट्री पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका साई टू ऑर्बिटल। अब साई टू ऑर्बिटल में क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन है और ये एच डॉट से अब इंट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। एच डॉट के लिए अब आपका हाइड्रोजन रेडिकल आता है, अगर यदि सुप्राफिशियल दोनों लोब्स ऊपर से इंट्रैक्ट करे, हाइड्रोजन डॉट आया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके तो सुप्राफिशियल इंट्रैक्ट करे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव हाइड्रोजन में क्या है एस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो कर लेगा ये, तो ये वाला तो सिमेट्रिकल जो है ये पॉजिटिव पॉजिटिव कर लेगा इंट्रैक्ट, बट ये लोब जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर पाएगी, नॉट सिमेट्रिकली पॉसिबल। तो ये प्रोसेस जो है सुप्राफिशियल, मतलब अगर हम माइग्रेशन करते हैं लाइक ये सुप्राफेशियल माइग्रेशन है, सुप्राफेशियल माइग्रेशन मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो दोनों लोब्स ऊपर से इंट्रैक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ, तो सुप्राफेशियल जब माइग्रेशन होता है तो ये क्या है सिमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, सिमेट्रिकली नॉट पॉसिबल। तो हमने देखा वन थ्री शिफ्ट जो है वो सुप्राफिशियल जो है वो नहीं हो सकता थर्मली, थर्मली क्योंकि थर्मली जो है वो ग्राउंड स्टेट में होती है, ग्राउंड स्टेट यहाँ पे साई टू है, इसलिए तो थर्मली क्या है सुप्राफेशियल नहीं हो सकता। अब अगर यही हम चीज एंटाराफेशियल करें, एंटाराफेशियल में क्या होता है आपका वही अगेन साई टू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका सी टू ऑर्बिटल हो गया। अब एंटाराफेशियल में क्या होगी, एक लोब ऊपर से एक लोब नीचे से, तो हाइड्रोजन जो है वो जब आपसे कनेक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव एक लोब ऊपर से एक लोब नीचे से, तो ये जो चीज है एंटाराफेशियली ये सिमेट्रिकली तो पॉसिबल है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये है एंटाराफेशियल, एंटारा फेशियल माइग्रेशन, एंटारा फेशियल मतलब एक लोब ऊपर से एक लोब नीचे से, तो सिमेट्रिकली तो पॉसिबल है बट ये सिमेट्रिकली तो पॉसिबल है बट ये ज्योमेट्रिकली जो है ज्योमेट्रिकली इज नॉट पॉसिबल, ज्योमेट्रिकली क्या है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत छोटा साइज होने के कारण बीच में आ तो जाएगा बट बीच में आने के कारण इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पाएगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि बहुत छोटा है, तो बीच में आने के कारण यहाँ पे इफेक्टिवली दोनों लोब्स के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो ज्योमेट्रिकली नॉट पॉसिबल है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थर्मली वन थ्री जो प्रोसेस है वो क्या होता है एंटाराफेशियल प्रोसेस होता है, कैसे एंटाराफेशियल मैंने बता दिया और क्यों सुप्राफेशियल नहीं होता वो आपने देख लिया अभी। अब हम बात करते हैं आपके 1-5 शिफ्ट की, चलिए ये तो 1-3 शिफ्ट की होगी, मैंने एक बार और लिख देती हूँ, तो 1-3 सॉरी अभी मैंने फोटोकेमिकली नहीं करवाया, सॉरी आई एम रियली सॉरी, थर्मली जो है थर्मली 1-3 क्या है आपका सुप्राफेशियल तो पॉसिबल नहीं है, थर्मली जो है वो क्या है आपका एंटाराफेशियल प्रोसेस पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस की, तो फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, देखिए अलाइल रेडिकल अगेन CH डॉट CH डबल बॉन्ड CD2, तो इसमें अगेन तीन साई वन साई टू साई थ्री, तो फोटोकेमिकल में क्या होता है आपकी
ये साई वन में दो इलेक्ट्रॉन है, साई टू में एक इलेक्ट्रॉन है। जब आप फोटोन पास आउट करते हो तो हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, साई थ्री स्टार में चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइग्रेट होके। तो अब क्या हो गया, साई वन में दो, साई टू एंड ये साई थ्री में ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। तो ये साई थ्री में एक इलेक्ट्रॉन मूव करने से कारण अब जो होमो है वो क्या हो गया आपका, साई थ्री स्टार। अब साई थ्री स्टार होमो हो गया आपका, तो अब ये इंट्रैक्ट करेगा इन फोटोकेमिकल, क्योंकि फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है आपकी एक्साइटेड स्टेट में होती है, नॉट ग्राउंड स्टेट में। इसलिए साई थ्री स्टार में इलेक्ट्रॉन जाता है। अब ये क्या हो गया आपका होमो, सिमेट्री हमें पता है क्या होती है, एम सी टू एम। तो साई थ्री की सिमेट्री क्या होगी, एम। तो चलिए एम सिमेट्री बनाते हैं हम और रिएक्शन देखते हैं, सुपराफिशियल होगी या इंटराफिशियल। तो ठीक है, तो पॉजिटिव हमें साइड वाले देखने होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये होगी एम सिमेट्री, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सी टू सिमेट्री क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, ये होती है सीटू सिमेट्री। चलिए अब आपने साई थ्री स्टार बना लिया एलाइल रेडिकल का। अब देखिए हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब वो ऊपर से आ रहा है तो देख लीजिए इफेक्टिवली इट्स कैन ओवरलैप बोथ पॉजिटिव पॉजिटिव लोब। तो ये सिमेट्रिकली पॉजिटिव पॉजिटिव से इससे भी इंटरेक्ट कर लेगा, इससे भी इंटरेक्ट कर लेगा। तो ये सिमेट्रिकली पॉसिबल है थर्मल फोटोकेमिकल रिएक्शन, पॉसिबल है सिमेट्रिकली, क्योंकि इफेक्टिवली एच पॉजिटिव जो है वो एच डॉट जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव से इंट्रैक्ट कर लेगा, सिमेट्रिकली पॉसिबल है। और कौन सा है ये माइग्रेशन, सुप्राफेशियल माइग्रेशन है हाइड्रोजन का, जब सुप्राफेशियली मतलब दोनों लोब्स ऊपर से इंट्रैक्ट कर रही है। अगर यही दोनों लोब्स इंटराफेशियल करते तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव साई थ्री स्टार एम सिमेट्री। तो इसमें क्या है एंटारा फेशियल में, अगेन वो हाइड्रोजन पॉजिटिव बीच में आता है एच, तो इसमें क्या पॉजिटिव एंटारा फेशियल कहते हैं, एक लोब ऊपर से एक लोब नीचे से, तो पॉजिटिव से कर लेता बट दूसरी लोब का नेगेटिव क्या हो जाता, नोड आ जाता, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये बॉन्डिंग नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव से ओवरलैप नहीं करता, तो सिमेट्रिकली इट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कौन सा नॉट पॉसिबल है, एंटारा फेशियल पॉसिबल नहीं है, कब, जब एक्साइटेड स्टेट मतलब कि फोटोकेमिकली रिएक्शन होती है। तो ये थी 1-3 की बात। चलिए एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ 1-3 अरेंजमेंट बेसिकली क्या है। तो 1-3 जो है वो आपका शिफ्ट थर्मली एंड ये फोटोकेमिकली। तो 1-3 शिफ्ट थर्मली जो है वो सुप्राफेशियल तो अलाउड नहीं है, मतलब एंटारा फेशियल अलाउड है, एंड फोटोकेमिकली आपका क्या है, सुप्राफेशियल अलाउड है, जब हाइड्रोजन आपका शिफ्टिंग माइग्रेटिंग एटम हो। तो एंटारा इज थर्मली अलाउड एंड फोटोकेमिकली इज सुप्रा अलाउड। तो ये थी आपकी 1-3 शिफ्ट की बात। अब हम बात करते हैं 1-5 शिफ्ट की बात। आई होप आपको 1-3 शिफ्ट समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता दूं कि मुझे नहीं लगता फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की इतना डीप में जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि साइक्लो सिंपल रिएक्शन पहचानने को आ सकती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक आ सकती है, साइक्लो एडिशन। तो जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर यदि आप लोग ये वाला पार्ट थोड़ा सा छोड़ भी जाते हैं तो इट्स नॉट सो मच रिस्की, तो आप छोड़ सकते हैं। बट फॉर सी एस आई आर नेट, फॉर गेट, फॉर यूपीएससी केमिस्ट्री इट्स वेरी मैंडेटरी टॉपिक। एंड अगर यदि आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड कि आपको हर एक टॉपिक पढ़ाना आए। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डीप में करवा रही हूँ। चलिए ज़्यादा टाइम मैं लेके बात करती हूँ, हम फटाफट 1-5 भी देख लेते हैं। तो 1-5 अगेन हम लेते हैं एक रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल एच, जैसे हमने 1-3 ली थी एच सी एच टू सी एच डबल बोंड सी एच सिंगल बोंड 2-3-4 सिंगल बोंड सी एच डबल बोंड सी डी टू। तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें क्या हो रहा है, ये डबल बोंड यहाँ पे मूव कर रहा है, ये डबल बोंड यहाँ पे मूव कर रहा है, और ये सिग्मा बोंड यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इस 1, 2, 3, 4, 5 तो फर्स्ट कार्बन 5th पे मूव कर रहा है। तो दिस इज 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट क्या बन गया 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बाद आपका, ये प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच डी टू, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब हम इसको भी कैसे करेंगे, हम सपोज करो कि आप इसको जनरल स्टडी करने के लिए कि थर्मली होगा या फोटोकेमिकली होगा, तो इसको बीच में से तोड़ दो, तो क्या बन गया आपका सी एच टू डॉट सी एच डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी डी टू, एंड ये बन गया आपका एच डॉट। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी क्या रिएक्शन हो रही है। तो दिस सिस्टम इज नोन एज पेंटा डाई इनाइल सिस्टम। मैंने सिमेट्री पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ मैं सबसे फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें जाके देख लेना। तो यहाँ पे क्या है, पांच कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन मतलब 5 एटॉमिक ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल है, तो कितने बनेंगे, 5 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, और उसमें से क्या बनेगा, Psi 1, Psi 2, Psi 3, Psi 4 star and Psi 5 star, क्योंकि हाफ बॉन्डिंग हाफ एंटी बॉन्डिंग एंड वन इज नॉन बॉन्डिंग। तो सिमेट्री कैसे लिखते हैं हम, MC2, MC2, M, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम, तो ये क्या है पेंटा डाई इनाइल रेडिकल, 2, 2, 4 और 1, 5, तो 2, 2, 4 और 1 ये हो गया 5। तो आपने देखा, अब हम देखते हैं थर्मल रिएक्शन। सबसे पहले थर्मल रिएक्शन, तो इन थर्मल रिएक्शन आप देखिए, थर्मल रिएक्शन में ऑर्बिटल कौन सा है आपका, ये होमो जो है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में होती है थर्मल रिएक्शन, तो ग्राउंड स्टेट में होमो कौन सा है आपका, Psi 3। तो Psi 3 में सिमेट्री कौन सी है आपकी, एम, एम सिमेट्री है। तो चलिए अब हम एम सिमेट्री फटाफट लिख लेते हैं, एक दो तीन चार पांच, चलिए तो एम सिमेट्री ये है आपका Psi 3 ऑर्बिटल, Psi 3 में है आपके एम सिमेट्री। एम सिमेट्री क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये होती है आपकी एम सिमेट्री। अब देखिए अगेन, अब आपका एच आएगा, मैं काम करती हूँ उल्टा लिखती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं फटा ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। तो ये है आपका Psi 3 में है एम सिमेट्री, तो एम सिमेट्री मतलब कि मिरर इमेज, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये है आपकी एम सिमेट्री। अब आपका हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन एच डॉट, हाइड्रोजन पे क्या होती है आपके पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इजीली पॉजिटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट कर लेगा, तो ये सिमेट्रिकली पॉसिबल है। तो सिमेट्रिकली ये दोनों लोब्स नीचे से अटैक कर रही है, तो दिस इज सुप्राफेशियल अटैक, तो सिमेट्रिकली सुप्राफेशियल आपके सिमेट्रिकली पॉसिबल है। तो दिस रिएक्शन इज सिमेट्रिकली सुप्राफेशियल आपके पॉसिबल है। तो दिस इज थर्मली जो है, थर्मली हम देखते हैं कि सुप्राफेशियल अलाउड प्रोसेस होता है, सिमेट्रिक अलाउड प्रोसेस है। अगर ये ही आपके एंटारा फेशियल क्या होता है आपके, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एंटारा फेशियल में एक लोब इस पॉजिटिव हाइड्रोजन से, एक लोब नीचे से, एक लोब ऊपर से जब कनेक्ट करती, तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइन नहीं कर पाता, तो सिमेट्रिकली एंटारा जो है वो आपका पॉसिबल, एंटारा फेशियल सिमेट्रिकली एंटारा इज नॉट पॉसिबल। तो थर्मली जो है रिएक्शन वो सुप्राफेशियल अलाउड प्रोसेस है, ना कि एंटारा फेशियल। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल की, फोटोकेमिकल में क्या होता है, अगेन हम बात करें Psi 1, Psi 2, Psi 3, Psi 4 star and Psi 5 star, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे गए हैं आपके 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5th इलेक्ट्रॉन रेडिकल का। फोटोकेमिकल में क्या होता है, जब एच म्यू एक टकराता है तो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अब साई फोर स्टार आपका क्या बन जाता है, होमोसिमेट्री क्या है, MC2, MC2, तो साई फोर स्टार में अब आपके क्या सिमेट्री है, C2 सिमेट्री। चलिए साई फोर स्टार में अब आपके क्या सिमेट्री है, C2 सिमेट्री। C2 सिमेट्री मतलब कि
दिस इज साई फोर स्टार। जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होती है आपकी, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में साई फोर स्टार है। साई फोर स्टार की क्या है, सी टू सिमेट्री। सी टू सिमेट्री मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज सी टू सिमेट्री, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब सी टू सिमेट्री में जब हाइड्रोजन आपका आएगा, तो आपके हाइड्रोजन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एक लोब से तो कनेक्ट कर लेगा, सुप्राफिशियल दोनों लोब्स एक साइड से कनेक्ट कर रही है, बट ये नेगेटिव जो है ये सिमेट्रिकली पॉजिटिव नेगेटिव नोड आ जाएगा, तो सिमेट्रिकली सुप्राफिशियल फोटोकेमिकली इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। बट अगर यदि ये अंटारा फेशियल करती है फोटोकेमिकल, अंटारा फेशियल क्या है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एंटारा फेशियल जब हाइड्रोजन एक लोब नीचे से एंड एक लोब पॉजिटिव से दिखाती हूँ दूसरे पेन से, समझ में एक लोब पॉजिटिव ऊपर से एक लोब नीचे से, तो एक लोब ऊपर से एक लोब नीचे से, तो दिस इज एंटारा फेशियल अटैक। एंटारा फेशियल सिमेट्रिकली जो है वो पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकली हालांकि इट्स नॉट पॉसिबल, सिमेट्रिकली तो पॉसिबल है। तो एच में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, एंटारा फेशियल रिएक्शन होती है, और जो थर्मली होती है वो आपकी क्या होती है, सुप्राफेशियल। तो थर्मली हमने देखा, थर्मली इज सुप्राफेशियल। तो अब हम अगर 1-5 शिफ्ट की बात करें, 1-5 शिफ्ट, तो थर्मली एंड फोटोकेमिकली, तो थर्मली तो 1-5 शिफ्ट सुप्राफेशियल पॉसिबल है, एंड फोटोकेमिकली दिस इज एंटारा फेशियल प्रोसेस पॉसिबल है। एंड 1-3 की बात करें, तो 1-3 में उल्टा, थर्मली तो वो एंटारा फेशियल पॉसिबल है, एंड फोटोकेमिकली दिस इज सुप्राफेशियल प्रोसेस। तो इसी को ही कंबाइन करके देखिए, थोड़ा सा ऐसे सुपरा एंटारा करने करते करते रहने से थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल शांति से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से चल के, तो आपको 101% समझ में आएगा। तो इसी चीज़ को कंबाइन कर दिया एक सिंपल सी चीज़ में, सिलेक्शन रूल में, कि वेन देर इज फोरन इलेक्ट्रॉन एंड वेन देर इज फोरन प्लस 2π इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो थर्मली एंड फोटोकेमिकली, व्हेन देयर इज फोरन इलेक्ट्रॉन, फोरन इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि फोरन इलेक्ट्रॉन, देखिए जैसे यहाँ पे 1 और 3 है, मैं तो आपको सिंपल सा फंडा बता रही हूँ, 1 और 3 है, देखने के अलग अलग तरीके और भी है, मैं सिंपल सा बना रहा हूँ। तो 1 और 3 को जोड़ दीजिए, 1 + 3 दैट इज द 4, तो 4 × 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 जब देयर इज फोरन इलेक्ट्रॉन, देन थर्मली इज एंटारा फेशियल प्रोसेस एंड फोटोकेमिकली इज सुप्राफेशियल प्रोसेस। एंड फोरन प्लस, तो एक चीज याद रखिए, फोरन इलेक्ट्रॉन है एंटारा एंड सुप्रा, एंटारा सुप्रा, ऐसे याद रख लीजिए, AS थर्मली फोटोकेमिकली, हम हमेशा ऐसी बात करते हैं थर्मल और फोटोकेमिकली। और जब व्हेन देयर इज फोरन प्लस 2π इलेक्ट्रॉन, फोरन प्लस 2π इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल जैसे 1 5 है, तो 5 1 + 5 दैट इज द 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6π इलेक्ट्रॉन इज 4n + 2π इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब हम n एक पुट करेंगे तो 4 और 2 6π इलेक्ट्रॉन। तो देन थर्मली इज सुप्राफेशियल एंड फोटोकेमिकली इज एंटारा फेशियल। तो दिस इज नॉर्मल सिलेक्शन रूल, कि व्हेन देयर इज 4n इलेक्ट्रॉन, 4n इलेक्ट्रॉन आप कैसे देखोगे, मैंने आपको बता दिया 4n + 2π इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे। अब जैसे मान लो 3 3 सिग्मा ट्रॉपी आ जाते हैं, तो 3 3 सिग्मा 3 + 3 इज 6π इलेक्ट्रॉन, 6π इलेक्ट्रॉन इज 4n + 2, तो दैट इज द सुप्रा सुप्रा प्रोसेस, ठीक है। तो सुप्रा सुप्रा प्रोसेस होता है थर्मली, और फोटोकेमिकली क्या होता है, वो सुप्रा एंटारा प्रोसेस होता है। थोड़ा सा अलग उसका मैकेनिज्म है, मैं नहीं डिस्कस कर रही क्योंकि IPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ फॉर क्या नाम है CSIRnet एंड गेट, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज 1-3, 1-5 शिफ्ट अकॉर्डिंग टू FMO मैथड। तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्मा ट्रॉपिक री अरेंजमेंट। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।